ईशान विराट की बल्लेबाजी के फैन हुए बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास मैच हारने के बाद बोले, मेरा सलाम है इन दोनों बल्लेबाजों को, ऐसी पारी मैंने कभी किसी मैच में नहीं देखी, हैरान हूं। भारत और बांग्लादेश के बीच 10 दिसंबर को 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला चट्टोग्राम में खेला गया। इस मुकाबले में भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 409 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर पाया, जिसमें ईशान किशन ने 210 रन की पारी और विराट कोहली ने 113 रनों की अहम पारी खेली। वहीं इस लक्ष्य के जवाब में मेहमान टीम बांग्लादेश केवल 182 रन का स्कोर ही बना सकी और ढेर हो गई। और कप्तान केएल राहुल ने अपनी कप्तानी में पहला वनडे मुकाबला 227 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। भारत इस मैच को जीतकर क्लीन स्वीप बचाने में सफल रहा, जबकि बांग्लादेश का क्लीन स्वीप का सपना ईशान और विराट की पारी ने चकनाचूर कर दिया। वहीं इस मैच में मिली हार के बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश की टीम ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से कब्जा जमा लिया। शुरुआती दोनों मुकाबले जीतने के बाद मेहमान को आखिरी मुकाबले में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। 409 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर का पीछा करने बांग्लादेश के लिए आसान काम नहीं था, यह बात उनके खिलाड़ी भी बखूबी जानते थे, इसलिए तेजी से रन बनाने के चक्कर में कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी बड़ी पारी भी नहीं खेल पाया। हालांकि शाकिब उल हसन 43 रन की अहम पारी खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे। वहीं बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने मैच के बाद बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा, जिस तरह से ईशान और विराट ने बल्लेबाजी की उससे हमें मैच गंवाना पड़ा। जिस तरह से ईशान ने बल्लेबाजी की उन्हें सलाम है, हमारे बल्लेबाजों ने पूरी कोशिश की लेकिन इस विकेट पर कोई रास्ता नहीं था। अगर हम 330 से या 340 का पीछा कर रहे होते तो ये अलग गेंद का खेल होता। वे एक अच्छी साइड हैं, हमने अच्छी क्रिकेट खेली और इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी ईशान किशन के लिए ये दिन बेहद खास था। इस दिन को वे कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि उन्होंने 210 रन की ऐतिहासिक पारी खेली है। वह वनडे में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा मात्र 131 गेंदों में किया। ईशान वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उनकी इस पारी के बाद बांग्लादेश के गेंदबाज सिर्फ सीमा रेखा से गेंदों को वापस लाते ही नजर आए। वहीं ईशान के साथ ही दूसरे छोर पर क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली ने 113 रनों की पारी खेलकर अपना 72वां शतक लगाया। वहीं भारत को श्रृंखला का आखिरी मैच जिताने में ईशान किशन ने दोहरा शतक जड़ते हुए अहम भूमिका निभाई। ऐसे में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया, जिसके बाद उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बल्लेबाजी के लिए भी एक आदर्श विकेट था, मेरे लिए भी बिल्कुल सही स्थिति थी। मैं गेंद को ठीक से देख रहा था और फ्लो के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि जब आपकी टीम में इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, हम बातचीत करते रहे हैं, यहाँ आप कोशिश करते हैं कि कम पाकर भी बहुत कुछ पा लें। उन्होंने कहा कि सपोर्ट स्टाफ से मुझे काफी मदद मिली, मैं सिर्फ और सिर्फ गेंदबाज को चुन चुन कर मार रहा था, चीजें मेरे हित में गई। विकेट को देखने के बाद मुझे पता चला कि यह अच्छा खेलेगा, मैं खराब गेंदों को मारने की कोशिश कर रहा था। टीम में फिटनेस को लेकर काफी बातचीत चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।